अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल, क्लास 4, सब्जेक्ट साइंस. दिस इज़ लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 3, फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 14, राइट CW एंड डेट एट द टॉप ऑफ द पेज. यूनिट 3, फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट. So we will study in this chapter about food groups. Let's read the first paragraph. The first heading is food is important. Food gives us the energy to work and play. When you do anything, you use up energy. While you are sleeping, it seems as if you are doing nothing. However, your stomach is digesting food. Your brain is working, your lungs are breathing, and your heart is beating. All of them need energy to work properly. Food हमें energy provide करता है work करने के लिए और खेलने के लिए. जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप energy को use कर रहे होते हैं. जब आप सो रहे होते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका stomach food digest कर रहा है, आपका brain working कर रहा है, आपके लंग्स ब्रीथ कर रहे होते हैं और आपका हार्ट बीट कर रहा है. इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़. सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो, सम फूड्स गिव यू एनर्जी, अदर फूड्स बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी. सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड अप पर्टिकुलर सेल्स. Some foods help your body to fight against germs and prevent infections. If you eat only one kind of food, it cannot do all these jobs. So you need to eat a variety of foods. तमाम foods different food values रखते हैं. हर एक की एक different value है. कुछ foods जो होते हैं वो आपको grow करने में help करते हैं, कुछ foods आपको energy देते हैं, दूसरी कई ग़ज़ाएँ आपकी body fats build up करती हैं, कुछ फूड्स कुछ ख़ास सेल्स को बिल्डअप करते हैं, कुछ फूड्स आपकी बॉडी में जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने और आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करते हैं. अगर आप सिर्फ एक किस्म की ग़िज़ा लेते हैं, एक किस्म का फूड खाते हैं, तो ये तमाम जॉब्स नहीं कर सकती है. सो आपको वैरायटी ऑफ फूड खाने की ज़रूरत होती है. ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट हेल्प्स अस टू बी फिट एंड हेल्दी. बैलेंस्ड डाइट जो कि जिसे मतवाजन ग़िज़ा कहा जाता है, मींस राइट फूड को राइट अमाउंट में लेना मतवाजन ग़िज़ा कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट कहलाता है. बैलेंस्ड डाइट हमें फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करती है. नाउ टेक आउट योर डॉकेट, पेज नंबर 6, यूनिट 3, क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है. Answer is, we need food to get energy. Every system of our body needs energy to work properly. All foods contain different food values to do the following jobs. Energy हासिल करने के लिए food की ज़रूरत होती है. हमारी body के हर system को properly work करने के लिए energy की need होती है. तमाम food different food values contain करते हैं following job करने के लिए. To help us to grow, to give us energy, to build up the fats in our body, to help in building up particular cells, to help our body to fight against germs. हमें grow करने में help करना, हमें energy देना, हमारी body में fats को build up करना, ख़ास cells को build up करने में help करना, हमारी body में germs के against fight करने में help करना. Question number 6, do you need energy while you are sleeping? क्या आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है जब आप सो रहे हों? आंसर इज़ येस, वी नीड एनर्जी वाइल वी आर स्लीपिंग, बिकॉज इट सीम्स एज इफ़ वी आर स्लीपिंग वी आर डूइंग नथिंग. हाउ एवर आर स्टमक ब्रेन लंग्स एंड हार्ट इज़ डूइंग वर्क, ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली. जी हाँ, जब हम सो रहे होते हैं हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि जब हम सो रहे हों तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा स्टमक ब्रेन लंग्स हार्ट वर्किंग कर रहे होते हैं और इन तमाम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है.
Now take out your assignment register and note down the homework. Unit 3, read page number 14. Learn and write question number 1 and question number 6 in the assignment register.